आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 जिलों में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने का आदेश दिया है। इन 7 जिलों में गाजियाबाद भी शामिल है, लेकिन गाजियाबाद में जमीनी स्तर पर आदेश का पालन कराने के लिए प्रशासन ने कोई भी इंतजाम नहीं किए हैं। आपको बता दें कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए घूमते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे श्रावस्ती पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने आंगनबाड़ी और आशाओं के सम्मान समारोह में शिरकत की। यहां केंद्रीय मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और आशा बहुओं को सम्मानित किया। इस मौके पर प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनपद आकांक्षी जिलों में आता है, जिसके लिए केंद्र सरकार पूरे जोर शोर से काम कर रही है। जनपद का विकास तेजी से हो सके, इसके लिए काम किया जा रहा है। वही लाउडस्पीकर विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि को लेकर एक निर्धारित सीमा तय कर दी है, जिसका सभी लोगों को पालन करना चाहिए। समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना विवरण दिया है और उसके दायरे में सभी को सम्मान करते हुए जो जितना जिस स्तर की डेंसिटी की आवाज़ आनी चाहिए उसका पालन सबको करना चाहिए। और जैसा अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश में, और उनके निर्देशों से उत्तर प्रदेश का मंचन से भी काम रहा, आज भी है, आगे भी रहेगा। बलिया में संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा के सदस्य ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और ये पत्र सम्मानित संदीप पांडे के सामने पत्रकार मधुसूदन सिंह ने लिखा। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में डीएमएसपी ने 3 पत्रकारों को जेल भेज दिया था, उसी को लेकर 12 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। मैं मधुसूदन सिंह प्रांतीय मुख्य महासचिव भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ उत्तर प्रदेश, आज अपने खून से प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है और पत्र लिख के गुहार लगाई है कि प्रदेश में देश में चौथे स्तंभ पर लगातार हमले हो रहे हैं। चौथे स्तंभ को समाप्त करने की रणनीति पर नौकरशाही काम कर रही है, तो संवैधानिक प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री जी का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह लोकतंत्र के सारे स्तंभों की रक्षा करें। और इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी को अपने खून से चिट्ठी लिख के गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री जी देश में चौथे स्तंभ की रक्षा कीजिए और बलिया के भ्रष्ट डीएम और एसपी को निलंबित। कानपुर में जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा की ओर से एक दिन में एक ब्लॉक के 6 ग्रामों में ग्राम चौपालों का आयोजन करते हुए शासन की विभिन्न लाभकारी योजना से लोगों को लाभान्वित करने और गांवों में किए जा रहे विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन करने सबसे पहले जिलाधिकारी भीतर गांव के विकास खंड के ग्राम गोपालपुर चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी। ग्राम चौपाल में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और एक्सीएन नलकूप ने बैठक में उपस्थित नहीं होने पर उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए। गोपालपुर नरवल में आज आयोजन हुआ है और इसके बाद हम 5 गांवों में अलग अलग जगहों पर आयोजन कर रहे हैं। भीतर गांव ब्लॉक है और बहुत समस्याएं जो आई हैं सामने वो अलग अलग विभागों से संबंधित हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनकी पेंशन आधार सीडिंग नहीं हुई तो पेंशन रुक गई। कुछ जगहों पर मनरेगा के कार्यों को लेकर के शिकायत थी। मौके पर ही त्वरित रूप से हम लोगों ने अधिकारियों को भेजा और उन शिकायतों के बारे में लोगों को आश्वस्त किया है। कहीं पर ऐसी कोई बहुत ही प्रमुख चीज़ नहीं आई है, लेकिन छोटी छोटी दैनिक नित्य लाइफ से रिलेटेड इनकी जो समस्याएं हैं उनके निपटान के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
अलीगढ़ के जयगंज की सब्जी मंडी बाजार के पास सड़क किनारे क्षेत्रीय लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा पाठ के बाद भगवान हनुमान की प्रतिमा आरती उतार कर प्रसाद भी बांटा गया। हनुमान चालीसा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, चारों ओर भक्तों का माहौल बना रहा। पिछले कई दिनों से लोगों में कई जगह हनुमान चालीसा पाठ करने का उत्साह देखने को मिल रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है आज जयगंज के अंदर बाजार के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया है क्षेत्रीय जनता द्वारा, सभी बाजार के लोगों के द्वारा। रायबरेली के रालपुर में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लग गई। देखते ही देखते आग लगने से गरीब किसान की 10 बिस्वा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड टीम की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया, साथ ही मामले की सूचना स्थानीय लेखपाल को भी दे दी गई है। सूर्यभान सिंह, पिता का नाम जगत सिंह, गांव कौन सा है? पूरे गौरन मजरे रालपुर। अच्छा, क्या मामला है यहाँ पे? आग ट्रांसफार्मर से आग लगी। ट्रांसफार्मर से आग लगी, लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? 10-20 गेहूं पड़ेगा, जंगल पूरा जल गया। अच्छा, लगभग कितने बजे की घटना है ये? 12 बजे की। फायर सर्विस को आपने सूचना दी? हाँ। और लेखपाल को? लेखपाल का हमारे पास नंबर नहीं रहा। जी जी, हमने खबर रायबरेली से है, जहां आगामी त्योहार को लेकर पीस कमेटी की एक बैठक हुई और इस दौरान जिले के सभी धर्मों के लोगों से आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई। आपको बताते चले कि बचत भवन में डीएम और एसपी सहित जिले के आला अधिकारियों की मौजूदगी में पीस कमेटी की ये बैठक सम्पन्न हुई है। जनपद में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हमारे सभी अधिकारीगण और विभिन्न थाना क्षेत्रों से जो संभ्रांत व्यक्ति हैं और धर्मगुरु इत्यादि हैं, उन सभी को बुलाया गया। उनसे बैठक कर त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो निर्देश निर्गत किए गए हैं, उनसे अवगत कराया गया। साथ ही ये अपेक्षा की गई कि सभी लोग त्यौहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के भाव। खबर अलीगढ़ से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा के कार्यकर्ताओं ने एसीएम को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए कार्यकर्ताओं ने अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही ईद के त्योहार को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की भी मांग की गई है। दिल्ली में भी जो है इस किस्म के हालात बने खराब हुए, तो अलीगढ़ में भी जो है वो 16 तारीख में रफतगंज में जो है मस्जिद के बाहर हालात ख़राब हुए, पथराव हुआ। तो हम ये मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक हर शख्स को, हर व्यक्ति को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की पूरी पूरी छूट है। तो हर शख्स को जो है इबादत करने की अमन और शांति के साथ पूरी इजाज़त होनी चाहिए और माहौल अच्छा रहना चाहिए। जो जमीयत उलमा जिला अलीगढ़ के द्वारा जिलाधिकारी महोदया के नाम ज्ञापन दिया गया है, ये ज्ञापन हम मैडम के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। जिले में शांति को लेकर के इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, तो जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे उसके लिए जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब लगे हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीए के एक छात्र मोहम्मद फरीद ने हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का पाठ पढ़कर गंगा जमुनी तहजीब और एकता की मिसाल पेश की है। बातचीत के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ने वाले छात्र मोहम्मद फरीद ने कहा कि उसने हनुमान चालीसा को बचपन में पढ़ा था, तब से उसे हनुमान चालीसा याद है। आगे उसका कहना है कि इस वक्त देश में हनुमान चालीसा और अजान को लेकर विवाद चल रहा है, इसी वजह से उसने पाठ करके एकता की मिसाल पेश की है। सुनने से हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमारा ये मानना है एज अ स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कि हनुमान चालीसा जो है वो पूरे 21 जगहों में क्यों, या फिर हिंदुस्तान के सिर्फ सेलेक्टिव 100 जगहों पे क्यों, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने हर चौराहों पे बजना चाहिए। इससे हम मुसलमानों को कोई भी दिक्कत ना है, न थी और ना आगे कभी होगी। हाँ, पर मुद्दा ये है कि आप जो है हमारी हमारे जो स्पेसिफिक प्लेस है, हमारी मस्जिदों को टारगेट करके उसके सामने माइक लगा कर पढ़ते हैं, तो यहाँ से फिर एक गलत मैसेज आता है। बाकी जगह, मस्जिद की जगह आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप चाहे जहाँ पढ़िए।
इस समय पूरा देश भीषण गर्मी से जूझ रहा है, वहीं सबसे ज्यादा समस्या किसानों को हो रही है। औरैया में अज्ञात कारणों से लगभग 3 गांव के किसानों की फसल जलकर राख हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। भीषण गर्मी की सूचना पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ ADM और SDM भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि पीड़ितों के नुकसान के आकलन के बाद राहत राशि मुहैया कराई जाएगी। सूचना पाते ही सभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई हैं, 5 NTPC और खेल की भी मंगाई है जिले की, और गांव वालों के सहयोग से, ज्यादा सहयोग इन्हीं लोगों ने किया, आग पे कंट्रोल पा लिया गया है। सर कितने मौजा का जो एक नुकसान हुआ है? 3 गांव इसमें इंक्लूड है, बीच का ये दियारा टाइप का क्षेत्र है जिसमें 3 गांव की ज़मीनें हैं। तीनों गांव के लेखपाल नायब तहसीलदार के नेतृत्व में लगाए गए हैं और ये अहर्निश काम करेंगे और इनको। खबर बहराइच से है जहां अज्ञात कारणों से एक विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। आपको बता दें कि 1 साल पहले विवाहिता की शादी हुई थी, वहीं विवाहिता की मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वालों की सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले में जाँच के आदेश देते हुए कार्रवाई की बात कही गई है। फिरोजाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई और बच्चे की मौत का आरोप उसके पिता पर लगाया गया है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से इस पूरे घटना की जानकारी ली, साथ ही आगे की कार्रवाई में भी अब पुलिस जुट गई है। घटना जो है रात को कल करीबन 7:30 बजे आयो है और मतलब 10-11 बजे मैंने देखो है कि हाँ जी मतलब खटिया बैठो बच्चे ने के संग और सवेरे जो मार मूर के और मतलब निकल गए करीबन 3-4 बजे लगभग, मतलब पहले ही से मोड़िया नहीं रखा तो अच्छे हम मतलब घूस पे लेके करीब आए कि मतलब जाको घर रह जाओ पर बाने जो बच्चे को मार दो। चौथे नंबर का बच्चा है? ये चौथे नंबर का बच्चा है। क्या नाम था बच्चे? बच्चे डेविड नाम है। कल रात में सुनील, जैसा कि उसके ससुराल के पक्ष के लोग बता रहे हैं साथी वाले, कि रात में आया छत पर सोया और नीचे बच्चे सो रहे थे। तो एक बच्चा इसका है, लगभग उसकी उम्र 4 वर्ष है। सवेरे जब इन लोगों ने देखा तो उसको मृतावस्था में पाया गया। इन लोगों ने ये अवगत कराया है कि सुनील ने ही बच्चे को जहर देके अथवा किसी तरीके से मार दिया है। इसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर रायबरेली से है जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक चेन स्नेचर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े पैदल जा रही महिला के गले से एक चोर ने चेन खींच ली थी। वही पुलिस ने चोर को चुराई हुई चेन को बेचने जाते वक्त धर दबोचा है। थाना मिल एरिया क्षेत्र में रतापुर के पास सवेरे एक मॉर्निंग वॉक पे एक वृद्ध महिला जा रही थी, उनके साथ एक चेन स्नेचिंग की घटना हुई थी। इस चेन स्नेचिंग को खुलासे करने के लिए इंस्पेक्टर मलेरिया और SSI नारायण मलेरिया, इन दोनों को लोगों को लगाया गया था। इन लोगों ने काफ़ी अथक प्रयास के बाद एक दिनेश रस्तोगी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो लखनऊ का एक शातिर लुटेरा है और यहाँ पर महाराजगंज क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रह रहा था और यहाँ पर वो कई और लूट करने की भी फिराक में था। संबल के सैदपुर जसोली में एक महिला ने पुलिस पर अपने पति को जेल भेजने का आरोप लगाया, साथ ही CO से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। और आपको बता दें कि इस मामले में थाना प्रभारी का कहना है कि युवक के पास से चोरी की बाइक बरामद की गई है, साथ ही युवक के भांजे पर अनेकों मुकदमे दर्ज है। मेरे पापा को चोरी का नाम लगाया है। किसने लगाया? पुलिस थाने में। कौन से थाने का मामला आपका? ऐ छोड़ा कम होगा। वो चोरी के जुर्म में उठाया गया है। अच्छा, आपके पति का क्या नाम है? महेश कुमार जी है। तो उनको जो उठाया, कहाँ की पुलिस द्वारा उठाया गया? ऐ छोड़ी पुलिस द्वारा उठाया। तो जब उनको उठाया गया तो क्यों उठाया, क्या कारण था ऐसा? चोरी लगा दी मोटरसाइकिल की। अच्छा, मोटरसाइकिल चोरी में जेल भेज दिया, चालान काट दिया। अच्छा, तो उनको गिरफ्तार तो किया गया था, कहाँ से किया गया था उनको? जलालपुर से। अपनी बहन के यहाँ गए थे। अच्छा, अपनी बहन की लड़की, हाँ वहाँ से आई थी,
फौज से ट्रेनिंग करके। अच्छा। तो उसने छोटा सा फंक्शन था। अच्छा। उसने बुलाया था उन्हें, तो वहाँ फंक्शन में गए हुए थे। हाँ। और उसी दौरान पुलिस पहुंची और उनको ठा लाई। सुबह उठे वो हाथ में धोए, नाश्ता भी नहीं किया और ले गए। खबर संभल से है, जहां जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में काफी कमियां पाई गई, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए अधिकारी और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है और कहा है कि अस्पताल में कार्य में गति लाई जाए और कार्य गुणवत्ता पूर्वक किया जाए, जिससे आने वाले मरीजों और पीड़ित लोगों को उचित इलाज और समय से दवा उपलब्ध हो सके। सुबह आज सीएचसी बहजोई का भी निरीक्षण, औचक निरीक्षण किया गया था। वहाँ पर कुछ कमियाँ पाई गईं, कुछ चिकित्सा अधिकारी और कुछ कर्मचारी जो हैं वो अनुपस्थित पाए गए, उनका एक दिन का वेतन काटा है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से जिला चिकित्सालय में हर चीज़ का एक व्यवस्थित रूप से लोगों की सुविधा के अनुसार प्रदर्शन किया गया है, कहाँ पर कौन डॉक्टर बैठते हैं, कितने समय तक के लिए बैठते हैं, उसी प्रकार से सीएमओ को निर्देशित किया गया कि हमारे सीएचसी पर भी यही व्यवस्था लागू की जाए और लोगों को सुविधा देने के लिए सिटीजन चार्टर का प्रॉपरली। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां अनियंत्रित कार ने सामने से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे अनियंत्रित होकर सवारियों से भरा टेम्पो पलट गया। इस हादसे में घायलों की संख्या करीब आधा दर्जन बताई जा रही है। आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस दौरान हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां जिले में आज एक 11 वर्ष के बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बच्चे के फूफा ने अपने ही भतीजे की गला दबाकर हत्या कर दी। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। आर्केस्ट्रा हो रहा था, वो जाने की जिद कर रहा था, लेकिन हमारी चाची जो है वो जाने नहीं दी, लेकिन वो लोग सो गई तो रात में उठकर चला गया। और जाने के बाद अब जब सुबह सब लोग उठे तो खोजने लगे, तो जब 4 बजे सब सुबह उठी जब महिलाएँ तो खोजने लगे, तो जब खोजना हुआ सब इधर उधर तो पता चला कि आर्केस्ट्रा देखने गया होगा, वहीं जाने जीत कर रहा था। उसके बाद वो मिला नहीं, तो 11-12 बजे तक लोग खोजे, फिर 12 बजे फिर थाने पे आए। तो एक जो लड़का था गांव का ही, वो कई बार उसके पहले धमकी भी दे चुका था, तो उसी को शक के बिना पे उसको उठवाया गया, मतलब उसको उसके खिलाफ वो किया गया, तो उसका नंबर ट्रेस किया गया, तो उसको पकड़ के लाए, तो वही पूछताछ में बताया। तो फिर कल रात में 3:30 बजे लाश बरामद हुई है। और उसमें एक टीम गठित किया था, उसमें लगभग आधा दर्जन संदिग्धों को ला करके थाने पर उससे पूछताछ की गई। एक संदिग्ध जो था उससे पूछताछ की गई, तो उसने घटना को कबूल किया और उसकी निशानदेही पर जा करके नदी में उसने बच्चे को मार के उसको नदी के किनारे छुपा दिया था बालू के नीचे, और उसकी निशानदेही पर उसको बरामद किया गया बच्चे की डेड बॉडी को, और अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। बच्चे पे चोट के निशान हैं, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें जो भी साक्ष्य हैं वो हमारी टीम के द्वारा संकलित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की। हत्या के बाद शव को कब्रिस्तान में फेंक दिया। वहीं मृतक के परिवार की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की और शव के आधार पर मृतक की पत्नी से सख्ती से पूछताछ की, फिर पूरा मामला खुलकर सबके सामने आया। महिला ने बताया कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अब जेल भेज दिया है। थाना कैला देवी के अंतर्गत एक ये हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें नखासा थाने में हिंदूपुरा खेड़ा के पास में एक युवक की लाश बरामद हुई थी। इस लाश बरामदगी के बाद में जब चेक किया गया तो थाना कैला देवी में उसकी गुमशुदगी पहले से लिखी हुई थी, उसी के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें आज दो अभियुक्त, एक जो मृतक है उसकी पत्नी और जो उसका एक साथी है विक्रम,
इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों भटोला ग्राम थाना कैला देवी के रहने वाले। अलीगढ़ में नगर निगम की बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद बोर्ड की बैठक स्थगित हो गई। वही इस हंगामे से पहले नगर आयुक्त के खिलाफ बोर्ड की बैठक में निंदा का प्रस्ताव पास हुआ था। पार्षद और बसपा से मेयर का आरोप है कि शहर की समस्या को लेकर नगर आयुक्त कुछ नहीं करते और समस्याओं को लेकर उनके पास पहुंचने वाले लोगों से मुलाकात भी नहीं करते। वही महापौर का ये भी कहना है कि नगर आयुक्त से जब शहर की समस्या को लेकर बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इसके बहाने बनाए। तो चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ इस दौरान कहा गया। जब मेरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ के MLA, यहाँ का MP, यहाँ के पार्षद, यहाँ के मेयर जब चाहते हैं कि काम हो, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा दिया, जब नहीं होगी तो पीड़ा मुझे कैसे नहीं होगी। मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। चार चार महीने फ़ोन नहीं उठाते, संजीव राजा का फ़ोन नहीं उठा रहे, पार्षदों का फ़ोन नहीं। पार्षदों को क्या चाहिए, इज्जत ही तो चाहिए। तमाम अलीगढ़ का नुकसान है। अगर 6 महीने पहले टाइम पे ही मैं फाइलों पे दस्तखत करा था, घूम रहा हूँ। इसके लिए केवल नगर आयुक्त और माननीय महापौर जिम्मेदार हैं और मैं अपने समस्त साथी पार्षदों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने आज नगर आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव मेरे प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। और मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को, अपने संगठन को, अपने सभी पार्षदों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन इसमें जो अधिकारी नगर आयुक्त जो जानबूझ के अलीगढ़ में, मैं समझता हूँ कि कोई राजनीतिक मंशा से अलीगढ़ के विकास को ठप करे हुए हैं और इसका जवाब हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और सारे पार्षद मिलकर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जब अग्निशमन विभाग की तरफ से अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत लखनऊ के गोमती नगर स्थित लीनेज होटल में जागरूकता अभियान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें DG फायर अवनीश चंद्र और डायरेक्टर फायर सर्विस J.K. सिंह शामिल हुए। वह इस दौरान फायर ब्रिगेड ने मॉक ड्रिल से लंबी इमारतों पर लगी आग को काबू करने का भी ट्रायल किया और DG फायर ने आग से बचाव के सुझाव भी दिए। हर वर्ष 14 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक एक हफ्ते का अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इसमें हम लोग अवेयरनेस पब्लिक के बीच में फैलाते हैं कि कैसे आग लगने ही न दें, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। मानसिक तौर पे अलर्ट रहना इज़ द बेस्ट क्योर। अगर हम लोग मानसिक तौर पे अलर्ट हैं तो थोड़े से प्रिकॉशन से आग या तो लगेगी नहीं, और अगर आग लगेगी तो तुरंत उस पर काबू पाया सकेगा। रायबरेली से कुछ दिन पहले दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई थी। यहां किशोरों के एक समूह ने एक किशोर को तालिबानी सजा दी थी। अलग अलग वायरल वीडियो में किशोर को पीटने के साथ ही उसे पैर चाटने का हुक्म देते किशोर नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, हुक्म पाने के बाद किशोर पैर भी चाट रहा था। वीडियो वायरल होते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। वहीं वीडियो जगतपुर इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पीड़ित और आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। कस्बा जगतपुर, थाना जगतपुर में स्कूली बच्चों के बीच में एक मारपीट हुई थी, जिसमें पीड़ित छात्र द्वारा एक शिव मौर्य नाम के व्यक्ति तथा उसके साथ कुछ अन्य लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया। इसमें एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके आधार पर लोगों को उसमें पुलिस ने चिन्हांकित किया और उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी करके सबको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वर्तमान में गांव में शांति है और किसी भी तरीके की कोई बात अब वहां पर इस तरह की नहीं है कि जो जिससे कोई कानून व्यवस्था की बात की जा सके। तो खबर ये आपको हम रायबरेली से बता रहे हैं, जहां एक किशोर को बीते दिनों एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी, जहां एक किशोर को तालिबानी सजा दी जा रही थी। वहीं इस दौरान युवक को पैर चाटने की भी बातें बोली जा रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। वहीं इस मामले पर कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं इस वीडियो के वायरल होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया था कि आखिर किस तरह से किशोर एक पैर चाटता हुआ नजर आ रहा है। वही इस पूरी घटना को अंजाम किशोरों के ही एक समूह ने दिया था।
अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर कासगंज की ओर से आ रही रोडवेज बस ने केमिकल टैंकर में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार कई यात्री घायल हो गए और चार लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। तो खबर हम आपको अलीगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। किस तरह से टैंकर और ट्रक में जोरदार टक्कर देखने को मिली, वहीं इस हादसे के होने के बाद से ही सड़क पर लंबा जाम भी देखने को मिला। वहीं इस पूरे घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन सभी का इलाज जारी है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रक और टैंकर की टक्कर होने से कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मालूम मेरा पाइप फट गया था, पाइप फट गया तो मैं तो मतलब उसे ठीक करने में लगा हुआ था। 5-6 मिनट ज्यादा ना 3-4 मिनट हुई होगी, इतने में पीछे से इन्होंने रोड पे ठोक दी। खड़ा ट्रक था खड़ा था खड़े में ठोक दिया पीछे। इसमें कोई घायल? हाँ, घायल 2-3 सवारियों के थोड़ी चटपट है, वैसे कोई गलती वैसे कोई घातक वो नहीं है। तो अगर गाड़ी साइड में चल रही थी, उन्होंने ब्रेक ले लिए, मेरी गाड़ी में ब्रेक कम लगे तो रोडवेज में। आप रोडवेज पर चला रहे हैं? तो कितनी सवारी घायल हुई है लगभग इसमें? कोई सवारी घायल हुई, कोई घायल हुई है? सवारी कितनी थी टोटल? 35 सवारी। अब क्लियर नहीं पता, 35 लगभग थी, पहले तो क्लियर पता होगा। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बार पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।